जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहले टेस्ट मुकाबले का दूसरे दिन कौन से वो 10 बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं उन्हीं के बारे में पूरी डिटेल जानकारी बताएंगे। और दोस्तों यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड तो ऐसे हैं जो कि कई सालों बाद टूटे हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी जरूर दंग रहने वाले हो। तो आप बने रहिएगा बिल्कुल अंत तक इस वीडियो में, और पहला वाला रिकॉर्ड जाने बिना तो आप भी कहीं भी मत जाइएगा। और वहीं दोस्तों इसी खबर में हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में भी बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि विराट कोहली ने पकड़ा सदी का सबसे अद्भुत कैच, देखकर हर कोई रह गया दंग। ऐसा कैच देखकर स्टेडियम में गूंजने लगी कोहली कोहली की आवाजें। तो दोस्तों जानेंगे इस खबर के बारे में भी। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि फटा हुआ जूता पहनकर गेंदबाजी करने उतरे मोहम्मद शमी, शेन वॉर्न ने किया ऐसा कमेंट कि भड़क उठे भारत के देशवासी। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में भी जानेंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों और गेंदबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय फील्डरों का निराशाजनक प्रदर्शन वनडे और टी20 सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भी जारी रहा। जहां दोस्तों एडिलेड ओवल मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे डेरेन टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को भारतीय फील्डरों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के कई कैच छोड़े, हालांकि जिसके चलते भी भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 151 रनों पर ही ढेर कर दिया। लेकिन यह स्कोर और भी ज्यादा कम हो सकता था अगर भारतीय फील्डर कैच पकड़ लेते। हालांकि दोस्तों भारतीय गेंदबाजी आज के इस मुकाबले में इतनी ज्यादा मजबूत थी कि उनके आगे कोई भी बल्लेबाज टिक ही नहीं पा रहा था, जिसके चलते भारतीय टीम ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को जरूर धूल चटाई है। लेकिन दोस्तों अब दूसरी पारी जैसे ही चालू हुई तो उसके बाद पृथ्वी शो अपना विकेट खो बैठे हैं। जहां दोस्तों हम आपको बताएं कि दूसरी पारी में पृथ्वी शो 4 गेंदों का सामना करते हुए 4 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक मयंक अग्रवाल और जसप्रीत बुमराह अभी मैदान पर टिके हुए हैं, और जहां पर भारतीय टीम 62 रनों की लीड से ऑस्ट्रेलिया की टीम से काफी ज्यादा आगे चल रही है। तो इसमें दोस्तों आज भारतीय टीम की तरफ से पहली पारी में शानदार गेंदबाजी करी रविंद्र चंद्रन अश्विन और उमेश यादव ने, जहां पर अश्विन ने 4 विकेट हासिल किए तो वहीं उमेश यादव को 3 विकेट मिले। तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने भी 2 विकेट हासिल कर एक नया इतिहास ही रच दिया है। तो ऐसे में दोस्तों आज भारतीय टीम ने काफी बड़े बड़े रिकॉर्ड अपनी इस पारी के दौरान तोड़े हैं। तो आइए चलिए अब हम एक एक करके आपको सभी रिकॉर्डों के बारे में बताते चलते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो 10वां बड़ा रिकॉर्ड निकल कर आता है वो ये है कि आज अपनी पहली पारी में 4 विकेट हासिल कर रविंद्र चंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विकेट लेने के मामले में पूर्व दिग्गज कपिल देव को पीछे छोड़ दिया है। जहां दोस्तों हम आपको बताएं कि इन 4 विकेटों के साथ ही उनके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में विकेटों की संख्या 81 पहुंच गई है, और इस तरह से वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। और इस लिस्ट में वो तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं, जहां पर कपिल देव के नाम 79 विकेट थे। तो वहीं उनको पीछे छोड़कर अब रविंद्र चंद्रन अश्विन ने ये बड़ा इतिहास रच दिया है। तो वहीं हम आपको बताएं कि इसी लिस्ट में जो सबसे ज्यादा विकेट लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो है अनिल कुंबले, और वहीं दूसरे नंबर पर हरभजन सिंह का नाम आता है। हालांकि इन दोनों ही गेंदबाजों को भी रविंद्र चंद्रन अश्विन काफी ज्यादा जल्दी पीछे छोड़ने वाले हैं। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए अगले रिकॉर्ड के बारे में, जो अगला बड़ा रिकॉर्ड निकल कर आता है वो ये है कि आज रविंद्र चंद्रन अश्विन ने अपने 4 विकेट हासिल करते से ही अपने टेस्ट क्रिकेट में 71 मुकाबलों की 132 इनिंग्स में 365 विकेट ले लिए, और वो इसी के साथ भारतीय टीम की तरफ से कारनामा करने वाले 5वें गेंदबाज भी बन गए हैं। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए अगले रिकॉर्ड के बारे में, जो अगला बड़ा रिकॉर्ड टूटा वो दोस्तों ये था कि जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 14 मैचों की 28 इनिंग में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 68 विकेट अपने टेस्ट क्रिकेट में हासिल कर लिए हैं। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए अगले रिकॉर्ड के बारे में, जो अगला बड़ा रिकॉर्ड टूटा वो ये था कि भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले डे नाइट टेस्ट मैच के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 51 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जहां दोस्तों विराट कोहली ने एडिलेड टेस्ट मैच के पहले दिन अपनी टीम के लिए 74 रन की पारी खेली, और अपनी इस पारी के दम पर विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। और इसी के साथ उन्होंने 51 साल बाद इस मामले में टाइगर पटौदी को पीछे छोड़ दिया है। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए अगले रिकॉर्ड के बारे में, जो अगला बड़ा रिकॉर्ड टूटा वो ये था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जैसे ही विराट कोहली ने 23 रन बनाए तो वैसे ही उन्होंने दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। जहां दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके ही घर में 2,539 रन बनाए, पर ऐसे में विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के इस आंकड़े को पार कर दिया है, और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का ये काफी ज्यादा पुराना रिकॉर्ड भी तोड़कर एक नया इतिहास रच दिया। तो ऐसे में दोस्तों यही थे वो सभी रिकॉर्ड जो कि आज के टेस्ट मुकाबले के दौरान टूटे। तो अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारतीय
टीम की गेंदबाजी को देखकर आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, एडिलेड टेस्ट में विराट कोहली ने पकड़ी साल की सर्वश्रेष्ठ कैच। देखें वीडियो। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में खेले जा रहे डे नाइट टेस्ट मैच काफी ज्यादा रोमांचक होता चला जा रहा है और वहीं फिलहाल में मेहमान टीम शानदार गेंदबाजी कर रही है। दूसरे दिन 244 के स्कोर पर जल्दी आउट होने के बाद भारत ने अपनी गेंदबाजी की बदौलत चीजों को वापस खींचने में कामयाबी हासिल कर लिया और जसप्रीत बुमराह उमेश यादव ने आज नई गेंद के साथ काफी ज्यादा संयम बनाकर रखा। दरअसल एडिलेड से टेस्ट डेब्यू कर रहे कैमरन ग्रीन बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन ऑफ स्पिनर अश्विन अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्होंने ग्रीन को चकमा देने के लिए एक छोटी गेंद डाली जिस पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा से जोरदार पुल शॉट खेलने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, यहां पर विराट कोहली ने हवा में उड़कर कैमरन ग्रीन का ये शानदार कैच पकड़ा जिसको आप सभी यहां पर देख भी सकते हो। तो ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय है विराट कोहली के इस कैच के बारे में? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जा रहे एडिलेड में डे नाइट टेस्ट मैच में आज भारतीय टीम का दबदबा मैदान पर एक बार फिर से देखने के लिए मिला, जहां पर भारत की टीम ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट के नुकसान पर 233 रन बना लिए थे। तो वहीं पहले दिन का खेल होने तक क्रीज में आर अश्विन 15 रन बनाकर खेल रहे थे तो वहीं रिद्धिमान साहा 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे दिन के खेल में भारतीय टीम के निचले बल्लेबाज कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी में भारतीय टीम का प्रदर्शन आज काफी कमाल का रहा। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने अपने कल के स्कोर में मात्र 11 रन ही जोड़ पाई थी और पूरी भारतीय टीम 244 रन के स्कोर पर ही आउट हो गई, अंतराल में अपने विकेट गंवाने लगी और मात्र 191 रन के स्कोर पर ही आउट हो गई थी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा टीम पेन ने 99 गेंदों पर 73 रन की पारी खेली, तो वहीं टीम के लिए 47 रन मानस लाबुशेन ने बनाए, जिसके चलते भारत के लिए रविंद्र चंद्रन अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हासिल किए, तो वहीं उमेश यादव को 3 विकेट मिले और जसप्रीत बुमराह ने भी 2 विकेट हासिल किए। तो ऐसे में दोस्तों, जब ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम आज ऑल आउट हो गई तो उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए दूसरी पारी में उतरे पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल, जहां पर पृथ्वी शॉ ने आज फिर से एक बार भारतीय टीम की तरफ से कुछ भी ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं किया। जी हां दोस्तों, पृथ्वी शॉ 4 गेंदों में 4 रन बनाकर ही आउट हो गए। तो वहीं दोस्तों, पृथ्वी शॉ के आउट होने के बाद जब जसप्रीत बुमराह मैदान पर उतरे तो उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल पृथ्वी शॉ के आउट होने के बाद क्षमा करने वाले हैं भारतीय टीम की तरफ से, तो वहीं मयंक अग्रवाल ने आज गेंदों का सामना करते हुए 5 रन बनाए। तो ऐसे में दोस्तों, अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जसप्रीत बुमराह की आज जो गेंदबाजी रही उसको देखकर आप 10 में से कितने अंक उन्हें देना चाहोगे और साथ में जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे मैदान पर, आते से ही चौके लगाने की कोशिश कर रहे थे, उसके बारे में भी आप अपनी राय। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।